राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह मेरे साथ हैं और ये यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव करने के लिए आए हैं। बटला हाउस जो इनकाउंटर 2008 में हुआ था उसकी SIT जांच की मांग कर रहे हैं। लगातार आप हर साल यहाँ आते हैं, क्या कहना चाहिए, क्यों सरकार नहीं सुन रही है और क्यों इसकी SIT जाँच के लिए नहीं भेजा जा रहा है? जैसा कि देखिए, हम लोग हर साल आते हैं, बटला हाउस इनकाउंटर की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक क्यों नहीं रेंग रहे हैं? इसलिए कि ये इनकाउंटर बिल्कुल फर्जी है। जिस तरह से मोहन चंद शर्मा के पीछे से गोली लगी है, अगर इनकाउंटर होता है, मुठभेड़ होती है, आप जो है कि जाकर के मुठभेड़ करते हो अपराधियों से, तो आमने सामने गोली चलेगी। जो हमारे दो बच्चे मारे गए हैं उनके सर के ऊपर गोली मारी गई है और मोहन चंद शर्मा के पीछे से गोली मारी गई है, तो हम लोगों की क्लियर है कि वो इनकाउंटर फर्जी है और इसमें एजेंसियां फंसने वाली हैं, सरकार फंसने वाली है। इसलिए सरकार जो है ज़्यादातर टाल मटोल कर रही है, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं, हम जांच तो करवा के ही रहेंगे। ये हुआ था कांग्रेस की सरकार में, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार है, तो फिर बीजेपी सरकार क्यों नहीं कराना चाहती इसको? अब बीजेपी सरकार से भी मांग की जा रही है, हम लोग प्रधानमंत्री को भी दिया था जो है ज्ञापन, प्रधानमंत्री से भी ये कहा गया कि नहीं आप जाँच करो, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब मॉम ब्लीचिंग पे मारा जा रहा है, कहीं जो है दलित को मारा जा रहा है, कहीं बीफ के नाम पे मारा जा रहा है। ये तो कोई मामला हुआ नहीं जो है कि सिर्फ एक मुसलमान को मारा जाए। जो है अगर आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर धर्म, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो ये कोई मतलब नहीं किसी एक चीज़ पर किसी को मारा जाए। अगर ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो बटला हाउस इनकाउंटर की जाँच के लिए हम लोग इनसे भी आग्रह करते हैं, इनके यहाँ भी गए हैं, और बटला हाउस इनकाउंटर की जाँच करवा दें, न्याय मिल जाएगा, हमको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या सरकार सिर्फ इस वजह से ये SIT जांच नहीं कर रही है या इसके जांच के ऑर्डर नहीं दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एक समुदाय को ये लगने लगे कि ये सरकार भी अब मुस्लिम हितेशी बनना चाह रही है या मुस्लिमों के, क्योंकि ये जिस तरीके का माहौल चल रहा है उससे कोई भी पार्टी जो है वो मुस्लिम के साथ खड़ी होती हुई अपने आप को नज़र नहीं दिखा रही है? जैसा कि देखिए, जब चुनाव आ जाता है तो सारी पार्टियाँ जो है मुस्लिम हितैषी का दम भरती हैं। जैसे जब इनकाउंटर हुआ था उस वक्त यहाँ सरकार कांग्रेस की थी, पी चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, उनसे जब कहा गया, उनसे मुलाकात की, ये लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुलाकात किए, तो उन्होंने क्या कहा था कि इसमें एजेंसियाँ फंसेंगी, एजेंसियों का मनोबल गिरेगा। और जब वही चीज़ उनके ऊपर आई, अभी जब उनके ऊपर आई, तो उन्होंने ही कहा, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके खुद उन्होंने कहा कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक किसी की गिरफ्तारी न की जाए, ना तो किसी के ऊपर दोष लगाया जाए। तो यही चीज तो हम मांग कर रहे थे आपसे उस वक्त कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है आप जांच करवा दीजिए, जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक आप आतंकवादी कैसे घोषित कर रहे हैं जो। लेकिन उस वक्त उनको नहीं लगा, जब उनके ऊपर पड़ी तब उनको लगा कि नहीं, जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक आप किसी को दोषी ना मानिए। कब तक आप ऐसे आते रहेंगे? एक जमाना बीत चुका है, 10-11 साल हो, 11वीं वर्षी है, तो कब तक? देखिए, ऐसा है, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों से तो इतनी जल्दी आज़ादी नहीं मिली थी, तो बहुत पसीने गिरे, बहुत माताओं के जो है कि कोख सुनी हुई, बहुत बहनों के जो है भाई गंवाना पड़ा, बहुत औरतों के मांग सिंदूर खोना पड़ा। तो ये उन्हीं अंग्रेजों की, ये काले अंग्रेज हैं जो सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज किया करते थे, उसी तरह से ये धर्म ही संप्रदाय में, जात बिरादरी में बांट करके ये सिर्फ जो है लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से ये तय की है कि अब हम किसी को जात बिरादरी मजहब में बंटने नहीं देंगे। अगर जात जुल्म जास्ती किसी के भी ऊपर होता है, चाहे हिंदू के ऊपर हो रहा है, सिख के ऊपर हो रहा है, ईसाई के ऊपर हो रहा है, किसी के ऊपर अगर जुल्म जास्ती हो रहा है, तो उलमा काउंसिल आगे खड़े होकर के कदम बढ़ा करके काम करेगी। और इसलिए हम तब तक लड़ते रहेंगे, अभी तो हमने पसीना बहाया है, 11 साल से आ रहे हैं, सिर्फ आजमगढ़ से हम चले थे, अब पूरे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हम पूरे 8-10 प्रदेश से आ रहे हैं। तो अब इसको हम जितना ही दूरी तक फैला ले जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी करवाएंगे कि फर्जी है, पूरे हिंदुस्तान में जब हम पहुंच जाएंगे, जब पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आएंगे बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करवाने के लिए, तो यहाँ दिल्ली स्टेशन पे सिर्फ ट्रेन उलमा काउंसिल एक्सप्रेस नजर आएगी, पूरे हिंदुस्तान से इनको जाँच करवाना ही पड़ेगा, कहाँ तक भागेंगे। अच्छा, ऐसे दौर में ये देखा जाता है कि जब भी इंसाफ के लिए खड़े होते हैं तो आलोचक उसके नजर आ जाते हैं, धर्म विशेष के लोग नजर आ जाते हैं, सड़कों पर भी उतर,
आते कई मामलों में ऐसा देखा है, चाहे वो लिंचिंग का मामला हो या कठुआ रेप का मामला हो, आप एक हिंदू समाज से आते हैं और आप जब ये आवाज़ उठा रहे हैं, इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं और मुस्लिमों के साथ हुए जो जो घटना हुई है उसको इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता कि आप जैसे देशद्रोही कह देते सर्टिफिकेट बांटते हैं, आपके साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमको भी लोग जैसे अदर पार्टियों के लोग हैं वो कहते तो हैं जरूर कि आप हिंदू होकर के मुसलमान समाज की पार्टी के साथ में क्यों, लेकिन हमने कभी नहीं देखा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हो कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, हम तो अपने धर्म गुरुओं से कहते हैं, हिंदू समाज के धर्म गुरुओं से कहते हैं कि आपने हमारे हिंदू समाज में धर्म की बात क्यों नहीं फैलाई। अगर ये लोग कहते हैं गौ माता, आज जाकर के आप देहात में देख लीजिए तो कोई गांव, कोई नुक्कड़, कोई चौराहा ऐसा नहीं होगा जहां 10 से 20 बछड़े ना हों और किसानों के खेत ना खा रहे हों, क्या वो गौ माता नहीं है? और जो गौशाला खुलवा रही है सरकार, गौशाला में और उसके बगल जेसीबी लगा करके गड्ढे खुदवा दिए हैं कि मर रहे हैं उसमें डाल दो, वो गौ माता नहीं है? मतलब गौ माता कर रहे हो, अगर तुम हिंदू की बात कर रहे हो, मजहब की बात कर रहे हो, तो उस तरह का काम करो, हमारे हिंदू समाज में जाकर के हमारे धर्म के बारे में बताओ। मैं कहता हूँ अपने, अब दिखाइए, मैं कहता हूँ हिंदू समाज में जो लोग कहते हैं हमारे धर्म गुरु कहते हैं हम बड़े हिंदू हैं, बड़े हिंदू हैं, हिंदू गाँव में जा करके देखिए, अगर 100 घर हिंदू आबादी होगी तो 10 के घर रामचरितमानस नहीं होगा, और कहने के लिए कहते हैं कि हम बड़े हिंदू हैं, तो ये कह करके सिर्फ हिंदू कह करके हिंदू मुसलमान में बांट करके ये सिर्फ राजनीति की जा रही है, और इसको हम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम मिल करके चल रहे हैं और पहले दिन से चल रहे हैं, जिस दिन से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बनी है उस दिन से चल रहे हैं, और हमने ये कसम खाया है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के बैनर तले ये हिंदू मुसलमान की खाई को हम लोग बांट करके रखेंगे। आपको लगता है कि 2014 के बाद से ये हिंदू मुस्लिम और ये सारे जो बंटवारे की बातें हैं ये ज़्यादा हुई हैं या पहले भी थी? नहीं, अब तो देखिए जब से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मेहनत कर रही है, हर चुनाव में भटला हाउस की आवाज सभी लोगों ने उठाया है, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, प्रधानमंत्री जी जाकर के वहां आजमगढ़ में कहे हैं कि अब भटला हाउस नहीं होने देंगे, आजमगढ़ को कलंकित नहीं होने देंगे, योगी जी जाकर के आजमगढ़ में कहे हैं कि अब हम आजमगढ़ को कलंकित नहीं होने देंगे, लेकिन होने नहीं देंगे, जांच क्यों नहीं करवा रहे? मोदी जी तो मोबलिंचिंग में भी कहते हैं कि ये दुखद घटना है और दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है, चाहते तो वो रुक सकती है, लेकिन सिर्फ व्यक्त करना अलग चीज है, एक्शन क्या लिया गया? देखिए सिर्फ कह देना ये नहीं होता है, उधर कह देते हैं, उधर वोट बैंक बनाने के लिए अपने लोगों से कह देते हैं कि मार दीजिए, अगर वो चाहें, उनकी सरकार है, चाहें तो प्रशासन लगा करके रुकवा सकते हैं, उनके ऊपर कानून, सख्त कानून बनाए, जिस तरह से अभी तीन तलाक पे बना रहे हैं और लोगों पे बना रहे हैं, तो उस पे इमाम ब्लीचिंग पे और गौ हत्या पर भी तो सख्त कानून बननी चाहिए, उनके ऊपर अगर सख्त कानून बन जाती तो आज ये काम नहीं होता। जो समाज का नाम लेकर, जय श्री राम का नाम लेकर, हिंदुत्व का नाम लेकर हत्या कर देते हैं, सरेआम मार देते हैं, वो कौन लोग हैं? ये हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, यही लोग हैं, और कौन लोग हैं? क्या इनको कहीं से संरक्षित हासिल है? सीधे सीधे जो है बीजेपी का इनके ऊपर संरक्षण है, ये बीजेपी की ये सब बी टीमें हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, ये इनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन बीजेपी के इशारे पे सारा काम करते हैं और बीजेपी की सरकार बनवाते हैं। मोदी जी तो कहते सबका विश्वास जीतने की बात कर रहे हो, मोदी जी कहने से थोड़ी होता है, कहने से विश्वास थोड़ी जीत लेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया।